Dear students, good morning. Myself is Danbir Singh and today I am present here to teach you an English lesson from your book Behave. Lesson number 3 and the name of the lesson is The Little Girl. Dear students, in this lesson there is a girl whose name is Kezia. He is always afraid of her father and he always avoided him. So now read this lesson and try to understand why so. To the little girl, he was a figure to be feared and avoided. To the little girl, he was a figure to be feared and avoided. वह छोटी लड़की के लिए उसके पिता एक ऐसे पर्सन थे, ऐसे व्यक्ति थे जिससे वह डरती थी एंड अवॉइडेड, और जिनसे वो बचती थी, दूर रहना चाहती थी. Every morning before going to work, he came into her room and gave her a casual kiss, to which she responded with goodbye, father. Every morning before going to work, हर प्रातः काम पर जाने से पूर्व भैंस के कमरे में आते थे. He came into her room, इसके फादर उसके कमरे में आते थे and gave her a casual kiss. और उसको बड़ा लापरवाही से उसको चुंबन देते थे. एंड टू विच सी रेस्पॉन्डेड विद गुड बाय फादर. इसके बदले में केजिया उन्हें गुड बाय फादर, गुड बाय मतलब बोलती थी. एंड ओ देयर वाज अ ग्लैड सेंस ऑफ रिलीफ व्हेन सी heard the noise of the carriage going fainter and fainter down the long road. पता है, और ओहो जब उनकी गाड़ी की आवाज़ लंबी सड़क पर दूर जाते हुए मंद होती जाती तो उसे बहुत ही खुशी महसूस होती थी. यानी जैसे ही फादर की गाड़ी जाती थी और गाड़ी की आवाज़ कम होती चली जाती थी, ग्रोइंग फेंटर एंड फेंटर, लंबे रास्ते पर गाड़ी जब जा रही होती थी तो आवाज़ धीरे 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 कम होती चली जाती थी. इसका मतलब था कि गाड़ी दूर चली गई. तो जब फादर चले जाते थे तो उस केजिया को बहुत ही खुशी होती थी, बहुत ही राहत महसूस होती थी. इन द इवनिंग व्हेन ही केम होम शी स्टूड near the staircase and heard his loud voice in the hall. शाम को जब वह घर आते थे तो वह सीढ़ियों के पास में खड़ी हो जाती थी, staircase में जो सीढ़ियाँ थीं घर की, and heard his loud voice in the hall, और हॉल में उनकी ऊंची तेज़ आवाज़ें सुनती थी. ब्रिंग माई टी, क्या किस तरह की आवाज़ें आती थीं पापा की शाम को, तो वो कहते थे ब्रिंग माई टी इन टू द ड्राइंग रूम, मेरी चाय मेरे ड्राइंग रूम में लेकर आइए. हैज़ नॉट द पेपर कम येट, क्या अभी तक पेपर नहीं आया है. मदर गो एंड सी इफ माई पेपर्स आउट देयर, और केजिया की माँ को पुकारते थे, कहते थे गो जाओ एंड सी और देखो इफ माई पेपर्स आउट देयर, कि अगर मेरे पेपर वहाँ हैं. एंड ब्रिंग मी माई स्लीपर्स, और मेरे चप्पल भी लेकर आइए. ये तमाम ऑर्डर जो उसके फादर दिया करते थे शाम को, तो इस तरह की जो वॉइस आया करती थी उन वॉइस के बारे में यहाँ बताया गया था. केजिया मदर वुड कॉल टू हर, इफ़ यू आर अ गुड गर्ल यू कैन कम डाउन एंड टेक ऑफ फादर्स बूट्स. केजिया मदर वुड कॉल टू हर, मतलब उसकी माँ केजिया की केजिया को पुकारती थी उसका नाम लेकर. इफ़ यू आर ए गुड गर्ल, अगर तुम एक अच्छी लड़की हो, यू कैन कम डाउन, तुम नीचे आओ एंड टेक ऑफ फादर्स बूट्स, और फादर के बूट उतारो.
अपनी फादर ने जो पैरों में अपने बूट्स पहन रखे थे उनको निकालने के लिए कि जैकीमा की जो कहती थी। स्लोली द गर्ल वुड स्लिप डाउन द स्टेयर्स, धीरे से लड़की सीढ़ियों से नीचे आती थी, मोर स्लोली स्टिल अक्रॉस द हॉल, और हॉल में तो और भी धीरे आती थी। एंड पुश ओपन द ड्राइंग रूम डोर, और ड्राइंग रूम का दरवाज़ा धीरे से पुश करके खोलती थी। बाय दैट टाइम ही हैड हिज स्पेक्टिकल्स ऑन एंड लुक्ड एट हर ओवर देम इन अ वे दैट वाज टेरिफाइंग टू द लिटिल गर्ल। बाय दैट टाइम, उस समय तक ही हैड हिज स्पेक्टिकल्स ऑन, वो अपने चश्मा जो होता है स्पेक्टिकल्स उसको पहने हुए होते थे, एंड लुक्ड एट हर और ओवर देम, और चश्मे के ऊपर से वो उस लड़की की ओर ऐसे देखते थे उसके पिता। दैट वाज टेरिफाइंग टू द लिटिल गर्ल, जो उस छोटी लड़की के लिए बड़ा ही टेरिफाइंग, मतलब बहुत ही डर देने वाला होता था। वो लड़की बहुत डरती थी। फादर कहते थे, वेल केजिया, ठीक है केजिया, हरी अब जल्दी करो एंड पुल ऑफ दीज बूट्स, और बूट्स को उतारो, टेक दैम आउटसाइड, इनको बाहर रख दो। हैव यू बीन अ गुड गर्ल टुडे, क्या आप आज बहुत अच्छी लड़की रहीं। मतलब उस केजिया के फादर केजिया से कहते थे, पहले तो बूट्स उतारने के लिए कहते थे कि हरी अब जल्दी करो और इन बूट्स को उतार करके बाहर रख दो। और उसके बाद वो उससे क्वेश्चन करते थे कि हैव यू बीन अ गुड गर्ल टुडे, क्या आप आज एक अच्छी लड़की रहीं, मतलब आपने अच्छा कार्य किया, अच्छी बन के रहीं, ऐसा क्वेश्चन वो किया करते थे। तो केजिया कहती थी, आई डिड डोंट नो फादर। तो केजिया की साथ एक प्रॉब्लम थी, सी ऑलवेज यूज टू स्टटर, वो हमेशा हकलाती थी फादर के सामने, बिकॉज सी वॉज अफ्रेड टू हिम, क्योंकि वो उनसे बहुत डरती थी और डर के कारण वह सीधे साफ नहीं बोल पाती थी, वो उसकी आवाज़ में प्रॉब्लम आती थी, वह हकलाने लगती थी।
शी सैट ऑन अ स्टूल ग्रेवली वॉच्ड हिम अंटिल ही वोक एंड स्ट्रेस्ड एंड आस्क्ड द टाइम व्हेन देन लुक्ड एट हर डोंट स्टेयर सो केजिया यू लुक लाइक अ लिटिल ब्राउन आउल। शी सैट ऑन अ स्टूल, वह स्टूल पर बैठ जाती थी केजिया अपने फादर के ड्राइंग रूम में जाकर के स्टूल पर बैठ जाती थी। ग्रेवली वॉच्ड हिम और बड़ा गंभीरता से उनको वॉच किया करती थी, देखती थी। अनटिल ही वोक, जब तक वो जागते थे, जागने का वेट करती थी बैठी बैठी स्टूल पर। एंड स्ट्रेस्ड, और उसके पिता फिर जब जागते थे स्ट्रेस्ड, अपने हाथ पांव को स्ट्रेस करते थे, मतलब खींचते थे, फैलाते थे। एंड आज द टाइम, और टाइम पूछते थे। देन लुक डैट हर, उसके बाद उसके जिया की ओर को वो देखते थे और केजिया से कहते थे डोंट स्टेयर सो केजिया, कोजिया केजिया इस प्रकार से घूर कर मत देखो। यू लुक लाइक अ लिटिल ब्राउन आउल, तुम तो बिल्कुल एक छोटे से भूरे कलर के आउल के उल्लू की तरह दिखती हो। वन डे व्हेन सी वाज केप्ट इनडोर्स विद अ कोल्ड, हर ग्रैंडमदर टोल्ड हर दैट फादर्स बर्थडे वाज नेक्स्ट वीक एंड सजेस्टेड शी शुड मेक हिम अ पिन क्यूजन फॉर अ गिफ्ट आउट ऑफ अ ब्यूटीफुल पीस ऑफ येलो सिल्क। एक दिन जब उसको सर्दी हो गई थी, उसको इंडोर्स मतलब घर पे ही रखा गया था, एंड हर ग्रैंड मदर टोल्ड हर, उसकी दादी माँ ने उससे कहा दैट फादर्स बर्थडे वाज नेक्स्ट वीक, अगले सप्ताह ही फादर का तुम्हारे बर्थडे है। एंड सजेस्टेड, और उस दादी माँ ने उसको सुझाव दिया शी शुड मेक हिम अ पिन क्यूशन फॉर अ गिफ्ट आउट ऑफ अ ब्यूटीफुल पीस ऑफ येलो सिल्क, और दादी माँ ने उसको सुझाव दिया कि उसे उनके लिए गिफ्ट के रूप में एक पिन क्यूशन, एक सुंदर से रेशम के कपड़े से तैयार करना चाहिए उनको गिफ्ट करने के लिए। लेबरसली विद अ डबल कॉटन द लिटिल गर्ल स्टिच्ड थ्री साइड्स, बट व्हाट टू फिल इट विद, दैट वाज द क्वेश्चन। द ग्रैंड मदर वॉज आउट इन द गार्डन एंड सी वांडर्ड इन टू मदर्स बेडरूम टू लुक फॉर स्क्रेप्स ऑन द बेड टेबल। सी डिस्कवर्ड अ ग्रेट मैनी शीट्स ऑफ फाइन पेपर, गैदर्ड देम अप, टोर देम इन टू टिनी पीसेस एंड स्टफ्ड हर केस, देन स्यूड अप द फोर्थ साइड लेबरसली विद अ डबल कॉटन। बड़ी परिश्रम से लेबर करके, मेहनत करके उसने एक डबल कॉटन लेकर के, डबल सूती कपड़ा लेकर के, द लिटिल गर्ल स्टिच्ड दीज थ्री साइड्स, उस छोटी लड़की ने तीन साइड्स उसको स्टिचिंग कर दी, उसकी सिलाई कर दी पिन क्यूशन बनाने के लिए, तकिया बनाने के लिए उसको जो है तीन साइड से सिलाई मार दी कॉटन के कपड़े की। बट व्हाट टू फिल इट विद, लेकिन अब इसमें क्या फिल किया जाए, इसमें भरें क्या, दैट वॉज द क्वेश्चन, ये प्रश्न था। द ग्रैंड मदर वाज आउट इन द गार्डन, दादी माँ बाहर बगीचे में थी। सी वांडर्ड इन टू मदर्स बेडरूम, और वह इनकी केजिया माँ के बेडरूम में घूमती रही टू लुक फॉर स्क्रेप्स, उसमें स्क्रेप्स फिल करने के लिए। इनी जो केजिया थी वो माँ के बेडरूम में कुछ स्क्रेप्स, कुछ टुकड़े कमरे में ढूंढने के लिए गई, जो ताकि जो तकिए में भर दिए जाएं। ऑन द बेड टेबल सी डिस्कवर्ड, और बेड के टेबल पर सी डिस्कवर्ड अ ग्रेट मैनी शीट्स ऑफ फाइन पेपर, उसने बहुत सारे जो पेपर्स थे कागज की, मतलब बहुत सुंदर शीट मिल गई रखी हुई। एंड गैदर्ड देम, उनको इकट्ठा किया, टोर देम इन टू टेनी पीसेस, और उनके छोटे छोटे पीस बनाए। एंड स्टफ्ड हर केस, और उसे उस थैली में भर लिया। देन सीव्ड अप द फोर्थ साइड, उसके बाद चौथी वाली जो साइड थी उसको भी सील दिया। दैट नाइट देयर वाज अ ह्यू एंड क्राई इन द हाउस, फादर्स ग्रेट स्पीच फॉर द पोर्ट अथॉरिटी हैड बीन लॉस्ट, रूम्स वर सर्च्ड, सर्वेंट्स क्वेश्चन, फाइनली मदर केम इन टू केजियाज रूम। उस रात उस घर में बहुत ज़्यादा ह्यू एंड क्राई, शोर शराबा हुआ। फादर्स ग्रेट स्पीच फॉर द पोर्ट अथॉरिटी,
पापा की जो बंदरगाह प्रशासन के लिए जो स्पीच थी वो खो गई थी, हैड बीन लॉस्ट, खो गई थी। रूम्स वर सर्च, सारे रूम ढूंढे गए। सर्वेंट्स क्वेश्चंस, प्रश्नों मतलब नौकरों से भी सवाल पूछे गए, पूछताछ की गई। फाइनली मदर केम इन टू केजियाज रूम, अंत में माँ केजिया के रूम में आई। केजिया, आई सपोज यू डिडेंट सी सम पेपर्स ऑन अ टेबल इन अवर रूम। केजिया, आई सपोज, मुझे लगता है यू डिडेंट सी सम पेपर्स, आपने पेपर नहीं देखे होंगे ऑन अ टेबल इन अवर रूम, हमारे रूम में टेबल पर आपने कागज़ तो नहीं देखे। ऐसा क्वेश्चन केजिया से किया केजिया की माँ ने। ओ यस सी सैड, अरे हाँ उसने कहा। केजिया बोली हाँ, आई टोल्ड दैम ऑफ फॉर माई सरप्राइज, मैंने उन्हें अपने उपहार के लिए, सरप्राइज के लिए, जो गिफ्ट मुझे देना तैयार करना था उसके लिए फाड़ दिया। व्हाट, क्या, स्क्रीम्ड मदर, माँ चीखी, स्क्रीम मीन्स चीखना। कम स्ट्रेट डाउन टू द डाइनिंग रूम दिस इंस्टेंट, और माँ ने उसकी कहा इसी क्षण, दिस इंस्टेंट, नीचे ड्राइंग रूम में आ जाओ। एंड सी वाज ड्रैग डाउन टू वेयर फादर वाज पेसिंग टू एंड फ्रो, हैंड्स बिहाइंड हिज बैक। एंड सी वाज ड्रैग डाउन टू वेयर फादर वाज पेसिंग टू एंड फ्रो, और उसको खींच कर लाया गया नीचे, जहां उसके पिता पेसिंग होता है, गति कर रहे थे, चहलकदमी कर रहे थे, टू एंड फ्रो, इधर उधर चक्कर काट रहे थे। हैंड्स बिहाइंड इज बैक, अपने हाथ अपने पीठ के पीछे कर रखे थे और इधर उधर चक्कर काट रहे थे। वेल ही सैड शार्पली, वेल ठीक है, ही सैड शार्पली, वह उन्होंने बहुत आवेश में तेजी से कहा। मदर एक्सप्लेन्ड, माँ ने पूरी बात एक्सप्लेन की, समझाया। ही स्टॉप्ड एंड स्टेयर्ड एट द चाइल्ड, वह रुक गए और उन्होंने घूर कर चाइल्ड की ओर, बच्ची की ओर, केजिया की ओर देखा। डिड यू डू दैट, क्या ये तुमने किया, नहीं क्या ये कार्य तुमने किया। नो नो सी विस्पर्ड, तो केजिया धीरे से बोली नो नो, मतलब आवाज नो नो कहना था उसको भी, वो हकलाते तो हुए बोली। मदर गो अप टू हर रूम एंड फेस डाउन द डायमंड थिंग। केजिया की माँ, ऊपर जाओ, गो अप टू हर रूम, उसके रूम में, एंड फेस डाउन द डायमंड थिंग, और उस थैली को लेकर आओ, पिन क्वेश्चन को लेकर आओ। डायमंड थिंग मतलब उस पिन क्वेश्चन जिसमें कि उसने उसके इंपॉर्टेंट पेपर्स फाड़ कर भर दिए थे, उसके लिए कहा डायमंड थिंग। तो उस पिन क्वेश्चन को, उस थैली को लेकर आओ। सी दैट द चाइल्ड्स पुट टू बेड दिस इंस्टेंट, और बच्ची को इसी क्षण उसके बिस्तर पर लिटा दो, दिस इंस्टेंट, इसी क्षण। इन्हीं केजिया की माँ से कहा कि इस बच्ची को तुरंत अभी इस बिस्तर पर लिटा दो, क्योंकि उसके फादर बहुत गुस्से में थे और उसको पनिशमेंट देना चाहते थे, क्योंकि उसके जो इम्पोर्टेंट स्पीच थी, जो पोर्ट ऑफ अथॉरिटी में उसको स्पीच देनी थी, इसको उसको उनके फादर ने केजिया के तैयार किया था बड़ी मेहनत से, वो इम्पोर्टेंट स्पीच केजिया ने पूरी टोन अप कर दी थी, और उसको फाड़ करके जो पिन क्वेश्चन बनानी थी उस थैली में उसने भर दिया था।
Since she lay in the shadowed room watching the evening light make a sad little pattern on the floor. Crying too much to explain, बहुत ज़्यादा चिल्लाते हुए कि too much to explain, इतना ज़्यादा कि वो explain नहीं कर सका रही थी. से ले इन द शेडोड रूम, वह एक अंधेरे रूम में लेटी रही. वॉचिंग द इवनिंग लाइट, इवनिंग की जो रोशनी थी, शाम की जो रोशनी को में वॉच करते हुए. मेक अ सैड लिटिल पैटर्न ऑन द फ्लोर, जो फर्श पर उदास छोटे छोटे नमूने जो बने हुए थे इवनिंग लाइट में, उनको देखते हुए वो लेटी रही. देन फादर केम इन टू द रूम, तो फादर उसके रूम में आए. विद द रूलर इन हिज हैंड्स, अपने हाथ में रूलर लेकर के, एक पैमाना लेकर के. आई एम गोइंग टू बीट यू फॉर दिस, मैं तुमको इसके लिए पीटने जा रहा हूँ. ही सैड, उन्होंने कहा, यानी जो गलती के अज्जा ने की थी उसके लिए उसके पिता उसको पीटने वाले थे. उन्होंने कहा, ओ नो नो, शी स्क्रीम्ड हाइडिंग अंडर द बेड क्लॉथ्स, अरे नहीं नहीं, उसने चीख कर कहा. हाइडिंग अंडर द बेड क्लॉथ्स, जो बिस्तर के कपड़े थे उनके नीचे छिपते हुए उसने कहा. ही पुल्ड देम असाइड, और उसके फादर ने किया कि क्या किया कि बेड क्लॉथ्स थे उनको एक साइड खींच कर अलग कर दिया और किया से कहा, सिट अप, सीधे बैठो. ही ऑर्डर्ड, उन्होंने आदेश दिया. एंड होल्ड आउट योर हैंड्स, और अपने हाथ बाहर निकालो, सीधे ऊपर उठाओ. यू मस्ट बी टॉट वंस फॉर ऑल नॉट टू टच व्हाट डज नॉट बिलोंग टू यू. यू मस्ट बी टॉट वंस, तुम्हें एक बार ये सिखाना ही पड़ेगा. फॉर ऑल नॉट टू टच, कि उस सब को आपको टच नहीं करना है. व्हाट डज नॉट बिलोंग टू यू, जो तुम्हारा नहीं हो, जो चीज़ वस्तु आपकी नहीं है उसको नहीं छूना है. ये चीज़ तुम्हें एक बार सिखानी ही पड़ेगी. बट इट वॉज फॉर योर बर्थडे. डाउन केम द रूलर ऑन हिज लिटिल पिंक बॉम्स. आवर्स लेटर वेन ग्रैंड मदर हैड ब्रेव्ड हर इन अ सॉल एंड रॉक्ड हर इन द रॉकिंग चेयर, द चाइल्ड क्लंग टू हर सॉफ्ट बॉडी. डाउन केम द रूलर ऑन हर लिटिल पिंक पाम, और वो रूलर उसके छोटे से गुलाबी हथेलियों पर रूलर आया, यानी रूलर पड़ा, फादर ने उसको मारा. आवर्स लेटर, घंटों के बाद में, जब ग्रैंड मदर हैड ब्रेब्ड हर, जब दादी माँ ने उसको लपेट लिया इन्हें सॉल एक सॉल में. एंड रॉक्ड हर इन द रॉकिंग चेयर, और जो आराम कुर्सी थी उसमें उसको रॉक्ड, मतलब झूला झुलाया. द चाइल्ड क्लंग टू हर सॉफ्ट बॉडी, और बच्ची उसने दादी माँ के सॉफ्ट जो मुलायम बॉडी था, शरीर था, उससे चिपक गई. व्हाट डिड गॉड मेक फादर्स फॉर, सी सॉब्ड. हेयर इज अ क्लीन हैंकी डार्लिंग, ब्लो योर नोज, गो टू स्लीप पैट, यू विल फॉरगेट ऑल अबाउट इट इन द मॉर्निंग. आई ट्राइड टू एक्सप्लेन टू फादर बट ही वॉज टू अपसेट टू लिसन टू नाइट. वाट डिड गॉड मेक फादर्स फॉर, सी सॉब्ड. तो केजिया ने सॉब्ड सबकते हुए कहा कि गॉड ने फादर किस लिए बनाए, मतलब क्यों बनाया फादर्स के लिए, क्योंकि उसको उसके फादर ने पिटाई लगाई थी, इसलिए वो सबकते हुए कहने लगी, पूछने लगी कि ये फादर गॉड ने क्यों बनाए. हियर इज अ क्लीन हैंकी डार्लिंग, यहाँ पर प्रिय एक बहुत साफ सा हैंकी है. ब्लो योर नोज, अपनी नोज साफ कर लो. गो टू स्लीप, सो जाओ. पैट प्रिय, यू विल फॉरगेट ऑल अबाउट इट इन द मॉर्निंग, तुम सब कुछ मॉर्निंग तक भूल जाओगी, यानी सुबह तक सब सही हो जाएगा, तुम सो जाइए. I tried to explain to father but he was too upset to listen tonight. मैंने कोशिश की आपके फादर को एक्सप्लेन करने की, but he was too upset to listen tonight. लेकिन वो आज इतने दुखी थे, अपसेट थे, कि वो कुछ सुनने को तैयार नहीं थे.
के जिया की दादी माँ ने उसको समझाया। बट द चाइल्ड नेवर फॉरगोट, लेकिन वो बच्ची कभी नहीं भूली। नेवर टाइम नेक्स्ट टाइम सी सा हिम सी क्विकली पुट बोथ हैंड्स बिहाइंड हर बैक एंड अ रेड कलर फिल्यू इनटू हर चीक्स। बट द चाइल्ड नेवर फॉरगोट, लेकिन वो लड़की कभी नहीं भूली। नेक्स्ट टाइम सी सा हिम सी क्विकली पुट बोथ हैंड्स बिहाइंड हर बैक। अगली बार जब केजिया ने अपने फादर को देखा तो अपने दोनों हाथ उसने अपने पीछे रख लिए। एंड अ रेड कलर फ्लू इनटू हर चीक्स, और उसके गालों में एक लाल कलर, एक लालिमा सी दौड़ गई। इन्हीं वो लड़की अपने फादर को देख करके भयभीत हो गई। द मैकडोनाल्ड्स लिव्ड नेक्स्ट डोर, दे हैड 5 चिल्ड्रन। लुकिंग थ्रू अ गैप इन द फेंस द लिटिल गर्ल सा देम प्लेइंग टैग इन द इवनिंग। द फादर विद द बेबी माओ ऑन हिज शोल्डर्स, टू लिटिल गर्ल्स हैंगिंग ऑन टू हिज कोट पॉकेट्स, रेन राउंड एंड राउंड द फ्लावर बेड्स, शेकिंग विद लाफ्टर। वंस सी सा द वॉइस टर्न द हॉज ऑन हिम एंड ही ट्राइड टू कैच देम लाफिंग ऑल द टाइम। द मैकडोनाल्ड लिव्ड नेक्स्ट डोर, और पड़ोस में ही मैकडोनाल्ड फैमिली रहता था। दे हैड 5 चिल्ड्रन, उनके 5 बच्चे थे। लुकिंग थ्रू अ गैप इन द फेंस, और जो फेंस में चार दीवारी में भी जो गैप था बीच में, उसमें से देखते हुए द लिटिल गर्ल सादम, उस छोटी लड़की ने उनको देखा। प्लेइंग टैग इन द इवनिंग, शाम को वो टैग खेल रहे थे। इन्हीं मैकडोनाल्ड के फैमिली में जो बच्चे थे और जो उन बच्चों का पिता था, वो वहाँ पर टैग खेल रहे थे बच्चों के साथ में। फादर विद द बेबी माओ ऑन हिज शोल्डर्स, और पिता एक बच्चा था जिसका नाम माओ था, उसको कंधे पर रखे हुए था। टू लिटिल गर्ल्स हैंगिंग ऑन टू हिज कोट पॉकेट्स, रेन राउंड एंड राउंड द फ्लावर बेड्स, और दो छोटी लड़कियाँ उनके कोट के पॉकेट्स को पकड़कर लटक रही थीं, और फ्लावर बेड्स जो फूलों की क्यारी थी उनके चारों चक्कर लगा रही थी। शेकिंग विद लाफ्टर, हंसी से हिलते हुए कांपते हुए। वंस सी सा द वॉइस टर्न द हॉज ऑन हिम, और एक बार तो उसने देखा कि जो लड़के थे उन्होंने हॉज पाइप उसके ऊपर खोल दिया, अपने पिता के ऊपर। एंड ही ट्राइड टू कैच देम लाफिंग ऑल द टाइम, और उन बच्चों का पिता नी मैकडोनाल्ड जो था, ट्राइड टू कैच देम, उनको पकड़ने की कोशिश कर रहा था, लाफिंग ऑल द टाइम, सारे समय हंसते हंसते। यानी हॉज पाइप बच्चों के खोल उसके ऊपर खोल देने पर भी उनका पिता उनसे नाराज़ न होकर के हंसते हंसते उनको पकड़ने की कोशिश कर रहा था। देन इट वॉज सी डिसाइडेड देयर वर डिफरेंट सॉर्ट्स ऑफ फादर, तब उसने डिसाइड किया कि यहाँ पर विभिन्न प्रकार के डिफरेंट सॉर्ट्स ऑफ फादर्स हैं। सडनली वन डे, अचानक एक दिन, मदर बिकेम इल, माँ बीमार हो गई। एंड सी एंड ग्रैंड मदर वेंट टू हॉस्पिटल, और वह और उसकी दादी माँ हॉस्पिटल गईं। द लिटिल गर्ल वाज लेफ्ट अलोन इन द हाउस विद एलाइस एंड द कुक, दैट वाज ऑल राइट इन द डे टाइम। सडनली अचानक वन डे, एक दिन मदर बिकेम इल, माँ बीमार हो गई। एंड सी एंड ग्रैंड मदर वेंट टू हॉस्पिटल, और वह और दादी माँ हॉस्पिटल गई हुई थी। द लिटिल गर्ल वॉज लेफ्ट अलोन इन द हाउस, छोटी लड़की घर में अकेले ही छोड़ दी गई थी। विद अलाइस, अलाइस के साथ में, द कुक, जो कुक के साथ में। दैट वॉज ऑल राइट इन द डे टाइम, दिन में तो सब कुछ ठीक ठाक रहा। यानी जब या कि माँ बीमार थी, उसकी दादी माँ उसकी माँ के साथ हॉस्पिटल गई हुई थी, और केजिया घर पर अकेली थी।
बट वाइल एलिस वॉज पुटिंग हर टू बेड सी ग्रीव सडनली अफ्रेड। लेकिन जिस समय एलिस उसको बिस्तर पर लिटा रही थी, सी ग्रीव सडनली अफ्रेड, वह अचानक डर गई, इनकी केजे थी अचानक फिर से डर गई। वट विल आई डू इफ आई हैव अ नाइट मेयर, सी आस्ड। और उसने पूछा केजिया ने कि मैं क्या करूँगी, वाट विल आई डू इफ आई हैव अ नाइट मेयर, जब मुझको कोई डरावना सपना दिखाई देगा। नाइट मीन्स डरावना सपना। आई ऑफ्टन हैव नाइट मेयर्स, मुझको अक्सर नाइट मेयर्स आते हैं, डरावने सपने आते हैं। एंड देन ग्रैनी टेक्स मी इन टू हर बेड, तब दादी माँ मुझको अपने बिस्तर में ले जाती है। आई कांट स्टे इन द डार्क, मैं अंधेरे में नहीं रह सकती। इट ऑल गेट्स विस्परी, इस ये सब मुझको मतलब इसमें आवाज़ ऐसी आती हैं, विस्परिंग साउंड सी आती हैं, आवाज़ ऐसी आती हैं अंधेरे में। यानी अक्सर जब दादी माँ घर पर हुआ करती थी, तो जब केजिया को नाइटमेयर्स रात्रि में डरावने सपने आते थे, तो वो अपने बिस्तर पर उसको ले जाते थी। लेकिन आज दादी माँ क्योंकि घर पर नहीं थी, केजिया की माँ भी घर पर नहीं थी, वो हॉस्पिटल में थी, तो जो एलिस थी कुक, उसने केजिया को सुलाने की कोशिश की। लेकिन केजिया ने कहा कि मैं क्या करूँगी जब मुझको नाइटमेयर्स आएंगे तो। और उसने बताया कि मेरी माँ दादी माँ अक्सर मुझको अपने बिस्तर पर ले जाती हैं जब मुझको कोई नाइटमेयर कोई सपना डरावना आता है। और उसने कहा कि मैं इस अंधेरे में नहीं रह सकती, इस सब में मुझे अंधेरे में जो है विस्परिंग साउंड सी बातें सी मतलब बोलियाँ सी सुनाई देती हैं। यू जस्ट गो टू स्लीप चाइल्ड, सैड एलिस पुलिंग ऑफ हर सॉक्स, एंड डोंट यू स्क्रीम एंड यू वेक योर फादर योर पुअर पा। एलिस ने कहा यू जस्ट गो टू स्लीप, तुम सिर्फ सो जाओ चाइल्ड बच्ची, सैड एलिस। एलिस ने कहा पुलिंग ऑफ हर सॉक्स, उसके सॉक्स को खींचते हुए नहीं सॉक्स उतारते हुए कहा। एंड डोंट यू स्क्रीम, और तुम चीखना मत। एंड बेक योर पुअर पा, और अपने बेचारे पापा के लिए जगह मत देना, उनकी नींद ख़राब मत कर देना। एलिस ने उस बच्ची से मतलब चीखने के लिए मना किया। बट द सेम ओल्ड नाइट मेयर केम द ब्यूचर विद अ नाइफ एंड अ रोप, हु केम नियरर एंड नियरर स्माइलिंग दैट ड्रेडफुल स्माइल, वाइल सी कुड नॉट मूव, कुड ओनली स्टैंड स्टिल क्राइंग आउट ग्रैंड मा ग्रैंड मा। सी बोक शिवरिंग टू सी फादर बिसाइड हर बेड, अ कैंडल इन हिज हैंड, व्हाट इज द मैटर ही सेड। बट द सेम ओल्ड ग्रैंड नाइट मेयर केम, लेकिन फिर से वही पुराना नाइट मेयर जो रात्रि का डरावना सपना था वो उसके लिए आ गया, केजिया के लिए दिखाई दिया वो नाइटमेयर। द ब्यूचर विद द नाइफ, और उसके नाइटमेयर में सपने में क्या था, एक कसाई, ब्यूचर मीन्स एक कसाई, विद अ नाइफ हाथ में चाकू लिए हुआ था, नाइफ लिए हुआ था, एंड अ रोप और एक रस्सी लिए हुआ था। हु केम नियरर एंड नियरर, जो पास और पास नज़दीक और नज़दीक चला रहा था केजिया के, स्माइलिंग मुस्कराते हुए, दैट ड्रीडफुल स्माइल, बहुत ही भयानक मुस्कुराहट के साथ में आगे बढ़ रहा था। वाइल सी कुड नॉट मूव, जबकि वह चल नहीं पा रही थी, यानी केजिया बिल्कुल मूव नहीं कर पा रही थी। कुड ओनली स्टैंड स्टिल, वह सिर्फ स्थिर खड़ी हुई थी, यानी सपना जो होता है उस सपने में हम दौड़ नहीं पाते हैं, ऐसा ही केजिया के साथ हुआ, वो दौड़ नहीं सक रही थी, बस शांत स्थिर खड़ी हुई थी। क्राइंग आउट, चिल्ला पड़ी, चिल्ला रही थी ग्रैंड माँ ग्रैंड माँ, दादी माँ दादी माँ, ये चिल्ला रही थी। सी वोक शिवरिंग टू सी, वह
कपकपाते हुए जाग गई टू सी फादर बिसाइड हर बेड। उसने देखा उसके पिता उसके बेड के पास में थे, अ कैंडल इन हिज हैंड, और उनके हाथ में एक कैंडल थी, मोमबत्ती थी। मोमबत्ती लेकर के आए वो रोशनी करने के लिए। वो कहने लगे व्हाट इज़ द मैटर ही सैड। वो बोले क्या बात है, क्या मामला है। ओ अ ब्यूचर अ नाइफ आई वांट ग्रानी। ही ब्लू आउट द कैंडल बेंट डाउन एंड कॉट अप द चाइल्ड इन हिज आर्म्स कैरिंग हर अलोंग द पैसेज टू द बिग बेडरूम। अ न्यूज़पेपर वाज ऑन द बेड ही पुट अवे द पेपर देन केयरफुली टक्ड अप द चाइल्ड ही ले डाउन बिसाइड हर हाफ एस्लीप स्टिल विद द फ्यूचर्स स्माइल ऑल अबाउट हर इट सीम्ड। सी क्रेप्ट क्लोज टू हिम स्नगल्ड हर हेड अंडर हिज आर्म हेल्ड टाइटली टू हिज शर्ट। ओ अ ब्यूचर अ नाइफ अरे एक कसाई एक चाकू आई वॉन्ट ग्रानी मुझे दादी माँ चाहिए। ही ब्लू आउट द कैंडल केजिया के फादर ने जो मोमबत्ती थी उसको बुझा दिया। बेंट डाउन नीचे झुके एंड कॉट अप द चाइल्ड इन हिज आर्म्स उस बच्ची को अपनी गोद में उठा लिया। कैरिंग हर अलोंग द पैसेज और रास्ते में होकर के उसको लाते हुए टू द हिज बिग बेडरूम अपने बड़े बेडरूम में उसको लेकर आ गए। अ न्यूज़पेपर वाज ऑन द बेड एक न्यूज़पेपर बेड पर पड़ा हुआ था। ही पुट अवे द पेपर उन्होंने न्यूज़पेपर को एक साइड में रख दिया। देन केयरफुली टक्ड अप द चाइल्ड उसके बाद बड़ी सावधानी से धीरे से बच्ची को टक्ड अप मतलब लिटा दिया। ही ले डाउन बिसाइड हर वह भी उसके पास में ही ले डाउन मतलब लेट गए बिसाइड हर उस लड़की के पास में। हाफ एस्लीप स्टिल वो अभी आधे ही सोए थे। स्टिल विद द फ्यूचर्स स्माइल ऑल अबाउट हर इट सीम सी क्रैप्ट क्लोज टू हिम। पता है अभी वो आधे ही सोए थे कि फिर से वो ब्यूचर की जो मुस्कान थी कसाई की जो मुस्कान थी ऑल अबाउट हर उसको दिखाई देने लगी केजिया के लिए। एंड सी क्रैप्ट क्लोज टू हिम और वह रेंग करके उनके पास में आ गई पिता के अपने फादर के। स्नगल्ड हर हेड अंडर हिज आर्म और अपना सिर अपने पिता के हाथों के नीचे छुपा लिया। हेल्ड टाइटली टू हिज शर्ट और उनकी शर्ट को कसकर पकड़ लिया। देन द डार्क डिड नॉट मैटर उसके बाद अंधेरे से कोई मैटर नहीं था, कोई डर नहीं था। सी ले स्टिल वह शांत लेटी रही। हेयर रब योर फीट अगेंस्ट माई लेग्स एंड गेट दैम बाम सेड फादर। फादर ने कहा कि यहाँ अपने पैरों को मेरे पैरों में रगड़ लो एंड गेट दैम बाम उनको गर्म कर लो। ठंड का मौसम था तो उसके पिता ने उससे अपने उसके पैर अपने पैरों में डालने के लिए रगड़ने के लिए कहा ताकि उनको मतलब गर्माई मिले। टायर्ड आउट ही स्लेप्ट बिफोर द लिटिल गर्ल थके हुए थे वो और वो उस लड़की से पहले ही सो गए। अ फनी फीलिंग केम ओवर हर और एक बड़ी विचित्र सी भावना फीलिंग केजिया के मन में आई उसके ऊपर आई। पुअर फादर कहने लगी बेचारे पिता नॉट सो बिग इतने बड़े नहीं हैं आफ्टर ऑल एंड विद नो वन टू लुक आफ्टर हिम और उनकी देख रेख करने वाला भी कोई नहीं है। ही वॉज हार्डर देन ग्रैंड मदर वो दादी माँ से हार्ड थे बट इट वॉज अ नाइस हार्डनेस लेकिन ये उसकी हार्डनेस जो थी बहुत अच्छी थी। एंड एवरी डे ही हैड टू वर्क एंड वॉज टू टायर्ड टू बी अ मिस्टर मैकडोनाल्ड और हर दिन उनको इतना सारा काम करना होता है वो इतने थक जाते हैं कि वो मिस्टर मैकडोनाल्ड नहीं बन सकते। सी हैड टोर्न अप ऑल हिज ब्यूटीफुल राइटिंग और उसने निकेजिया ने अपने आप को लिए कहती है कि उसने उनकी सुंदर ब्यूटीफुल राइटिंग के लिए अच्छे लेख के लिए फाड़ डाला। सी स्टेड सडनली एंड साइड वह अचानक बड़ा ही मतलब एक चक्कर काट गई और एंड साइड उसने आह भरी व्हाट इज़ द मैटर क्या बात है। यानी वो एकदम कपकपी के साथ में एकदम चक्कर काट गई और उसने साइड मतलब आह भरी मतलब कपकपी से उसके मतलब उससे बड़ी में सुनाई मतलब महसूस हुई उसके फादर को तो उसके पिता भी एकदम जो है उठ गए कहने लगे व्हाट इज़ द मैटर क्या बात है।
आज हर फादर उसके पिता ने पूछा, अनदर ड्रीम, क्या कोई दूसरा सपना दिखाई दे रहा है आपको? यानी जब वो इतना सोच रही थी, उसने आहावारी, उसके शरीर में एक स्टेट मतलब एक कपकपी सी हुई, तो उससे उसके पिता जाग गए, कहा कि क्या कोई दूसरा सपना तुम्हें दिखाई दे रहा है, अनदर ड्रीम? ओ सैड द लिटिल गर्ल, अरे उस छोटी लड़की ने कहा, माई हेड इज़ ऑन योर हार्ट, मेरा सिर तुम्हारे हार्ट पर है, आई कैन हियर इट गोइंग, मैं मुझको ये धड़कता हुआ चलता हुआ सुनाई दे रहा है। वाट इज़ बिग हार्ट यू हैव गॉट, तुम्हारा हार्ट, तुम्हारा दिल कितना बड़ा है फादर डियर, प्रिय पिता। यानी केजिया ने अपने पिता से कहा कि मुझे तुम्हारा दिल जो है वो धड़कता हुआ दिखाई सुनाई महसूस पड़ रहा है, वह कितना अच्छा है। बट वाइल एलिस वॉज पुटिंग हर टू बेड, सी ग्रीव सडनली अफ्रेड। लेकिन जिस समय एलिस उसको बिस्तर पर लिटा रही थी, सी ग्रीव सडनली अफ्रेड, वह अचानक डर गई। यानी केजे थी, अचानक फिर से डर गई। What will I do if I have a nightmare? She asked. और उसने पूछा केजिया ने कि मैं क्या करूँगी, What will I do if I have a nightmare? जब मुझको कोई डरावना सपना दिखाई देगा। Nightmare means डरावना सपना। I often have nightmares. मुझको अक्सर nightmares आते हैं, डरावने सपने आते हैं। And then granny टेक्स मी इन टू हर बेड, तब दादी माँ मुझको अपने बिस्तर में ले जाती है। आई कांट स्टे इन द डार्क, मैं अंधेरे में नहीं रह सकती। इट ऑल गेट्स विस्परी, ये सब मुझको मतलब इसमें आवाज़ ऐसी आती हैं, विस्परिंग साउंड सी आती हैं, आवाज़ ऐसी आती हैं अंधेरे में। यानी अक्सर जब दादी माँ घर पर हुआ करती थी, तो जब केजिया को नाइटमेयर्स रात्रि में डरावने सपने आते थे, तो वो अपने बिस्तर पर उसको ले जाते थी। लेकिन आज दादी माँ क्योंकि घर पर नहीं थी, केजिया की माँ भी घर पर नहीं थी, वो हॉस्पिटल में थी, तो जो एलिस थी कुक, उसने केजिया को सुलाने की कोशिश की। लेकिन केजिया ने कहा कि मैं क्या करूँगी जब मुझको नाइटमेयर्स आएंगे तो, और उसने बताया कि मेरी माँ दादी माँ अक्सर मुझको अपने बिस्तर पर ले जाती हैं जब मुझको कोई नाइटमेयर कोई सपना डरावना आता है। और उसने कहा कि मैं इस अंधेरे में नहीं रह सकती, इस सब में मुझे अंधेरे में जो है विस्परिंग साउंड सी बातें सी मतलब बोलियाँ सी सुनाई देती हैं। यू जस्ट गो टू स्लीप चाइल्ड, सैड एलिस pulling off her socks, and don't you scream and you wake your father, your poor pa. Alice ने कहा, you just go to sleep, तुम सिर्फ सो जाओ child, बच्ची, said Alice. Alice ने कहा, pulling off her socks, उसके socks को खींचते हुए, socks उतारते हुए कहा, and don't you scream, और तुम चीखना मत, and wake your poor pa, और अपने बेचारे पापा के लिए जगह मत देना, उनकी नींद ख़राब मत कर देना। एलिस ने उस बच्ची से मतलब चीखने के लिए मना किया।